हेलो एवरीबॉडी, आज यूथ फॉर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के मंच से आप सबके साथ संवाद करते हुए बड़ी खुशी लग रही है। इस ईयर की थीम है हेल्थ इज वेल्थ। नाउ एक चीज हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब है कि सिर्फ कोई बीमारियां नहीं है, यानी पर्सन हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सचमुच फिजिकल एज वेल एज मेंटल फिटनेस इज एन एसेंस ऑफ हेल्थ, और ये बॉडी एज वेल एज माइंड की हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। एक तो अच्छा डाइट, दूसरी चीज है अच्छा व्यायाम जो आपको तंदुरुस्त रखे, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है अच्छी नींद। क्योंकि अगर नींद ही नहीं आए तो बहुत सारी चीजें डिसरप्ट हो जाती है, और इसलिए मैं आपको अभी स्लीपलेसनेस के विषय पे आई एम गोइंग टू एड्रेस यू। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि अच्छी स्लीप की रियल जरूरत क्या है। अच्छी स्लीप ये रिपेरेटिव है, हमारे पूरे ऑर्गन्स की वियर एंड टियर होती रहती है हम जब काम करते रहते हैं दिन रात, तो और हर ऑर्गन की वियर एंड टियर में हर टिश्यू जो है उसकी झीज होती है, हर सेल डिजेनरेट होती है, और ये डिजेनरेशन, ये डिसइंटीग्रेशन अगर स्लीप में अच्छी तरह से रिपेयर नहीं हुआ, मतलब अच्छी स्लीप नहीं हुई, तो अनेक बीमारियों की निर्मिति होती है। इसलिए रियल वे टू प्रिवेंट इलनेसेस इज टू हैव गुड स्लीप। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस इज टू हैव लैक ऑफ स्लीप फॉर ऑल दिस थिंग्स। इसलिए हेल्थ प्रमोशन में हम सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं आहार, व्यायाम और अच्छी नींद को। इन एडिशन टू दिस ये भी चीज जानना जरूरी है कि सिर्फ रिपेरेटिव नहीं, लेकिन बहुत सी मिस्टीरियस चीजें नींद में होती है। हम जानते हैं कि मेंडेलीव ने, जिसने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की, उनको बहुत वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स इकट्ठा कैसे वेल ऑर्गेनाइज किए जाएं। तो वो जब सो गए तो नींद में सडनली ही गॉट आइडियाज, एंड सुबह जग जाने के बाद ही केम विद आइडियाज ऑफ पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है उसकी भी डिस्कवरी नींद में ही हुई है। रामानुजन जी जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, उनकी बायोग्राफी में हम जानते हैं कि एक गॉडेस नामगिरी करके थी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस उनको नींद में समझाती थी, और सुबह जगने के बाद बहुत से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनको समझ में आते थे। डीएनए का स्ट्रक्चर जो हेलिकल मॉडल है वो भी नींद में वैटसन को एक सपना आया था कि दो स्नेक्स इंटरट्विनिंग है एक दूसरे के अराउंड इन हेलिकल वे, और वैटसन एंड क्रिक की जो फेमस डिस्कवरी है हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वो उभर के आई थी। अभी मित्रों एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी स्लीप मेडिसिन ये एक अलग स्पेशलिटी डेवलप हो गई है, और अभी विज्ञान जान गया है कि बॉडी और माइंड गो हैंड इन हैंड। इसलिए एक बॉडी माइंड इंटीग्रल मेडिसिन ऐसी कंसेप्ट है, क्योंकि कई बीमारियों का सॉल्यूशन अनलेस योर माइंड इज पीसफुल वो होता ही नहीं है, सिर्फ बीमारियों का इलाज सुपरफिशियल हो जाता है। रूट कॉज अगर हमें डिस्कवर करना है तो वो अपने मन में है, मन की शांति में है, और वो मन की शांति, नींद अच्छी जिसको नहीं है उसको बिल्कुल आना इम्पॉसिबल है। स्लीप मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व हो रहा है, और उसमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग स्लीप के बारे में होना है तो हमारे मांडुक्य उपनिषद का अभ्यास बहुत जरूरी है। मांडुक्य उपनिषद में स्लीप की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे लगी, और अगर वो आप जान जाए तो स्लीप का बॉडी पे रोल क्या है, स्लीप का माइंड पे रोल क्या है, स्लीप का डिजीज प्रिवेंशन में क्या रोल हो सकता है, स्लीप और पंचकोश की क्या रिलेशनशिप है, ये सब जान के आपको इंप्रूवमेंट करना आसान हो जाएगा। एक चीज हमें बचपन से सबको याद है कि बॉडी की नीड जो स्लीप की है वो डिजाइन ही ऐसी तरीके से की गई है कि हम अच्छी नींद पाना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम अच्छी नींद पाएं।
हम जब बहुत जल्दी की स्कूल रहती थी, बचपन में अपने माताजी पिताजी हमें नींद से जगाते थे तो हम बड़े रिलक्टेंट थे, हमको और थोड़ा सोना था, हम उससे झगड़ते थे कि क्यों जल्दी जगा दिया, हमें और थोड़ा सोने दो। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है फ्रेंड्स कि बहुत से यंगस्टर्स स्लीपलेसनेस करके आते हैं, उनको सारी रात स्लीप नहीं आती है। किन लोगों को स्लीप आ जाती है लेकिन एक दो घंटे के बाद वो जग जाते हैं और फिर सारी रात वो एंशियस रहते हैं, स्लीप नहीं आते हैं। क्या परिणाम होते हैं इसके? इसके परिणाम बहुत ही सीरियस है और वो जानना बहुत आवश्यक है। बहुत स्ट्रेस लगता है क्योंकि स्ट्रेस रिलीव ही होता नहीं है जो नॉर्मल स्लीप पे होना चाहिए। अगर स्लीप नहीं आती है तो स्लीप अगर नहीं आती है तो लैक ऑफ स्लीप की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, डायबिटीज होता है, हार्ट की कई बीमारियां, इस्कीमिक हार्ट डिसीज जैसी बढ़ जाती है, स्ट्रोक और पैरालिसिस हम बहुत यंगस्टर्स में आजकल देखते हैं, बहुत यंग एज में वो पैरालिसिस होता है। और ये लोग ऐसे हैं जो सारी रात काम करते हैं और सडनली दे गेट पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, वो प्रतिकार शक्ति के जो सेल्स है, टी सेल्स और बी सेल्स, उनके स्टेबिलिटी के लिए, उनके फंक्शंस अच्छे रहने के लिए भी स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। और अगर ये इम्यूनिटी कम हो जाए, प्रतिकार शक्ति कम हो जाए, तो अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं जिन लोगों को स्लीप अच्छी तरह से नहीं आती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर भी एक बहुत बड़ी चीज है और जिनको स्लीप नहीं है उन लोगों में कुछ कैंसर्स का परसेंटेज भी ज्यादा है, ऐसा अभी विज्ञान ने प्रूव कर दिया है। अल्जीमर जैसी बीमारियां जो है, जो ब्रेन का श्रिंकेज जिसमें हो जाता है, वो भी जो लोग अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं उनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ अल्जीमर्स पाया गया है। एजुकेशन के फील्ड में आपको कुछ भी हासिल करना है तो नेचुरली अच्छी तरीके से लर्निंग करने के लिए अच्छा फोकस चाहिए, अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए, एक अटेंशन बड़ा डेडिकेटेड चाहिए हम जब सीख रहे हैं कोई भी चीज़ तो। और जो लोग अच्छी तरीके से सो नहीं पाते हैं उनका अटेंशन, फोकस, लर्निंग, ये सब बहुत सीरियस ढंग से इसके ऊपर असर हो जाता है। फिर उनको एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आज कॉम्पिटिटिव एज है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर अंडरटेकन बाय यूथ, और अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होता है तो उससे और स्ट्रेस बढ़ता है, इस स्ट्रेस की वजह से और नींद उड़ जाती है, फिर ये विशियस साइकिल्स में फ्रेंड्स सब आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है कि स्लीप बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मायना रखती है सब फील्ड्स में। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब परफॉर्मेंस भी आपका इफेक्ट हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा, फिर जॉब परफॉर्मेंस कम हो जाएगा तो आपका प्रमोशन तो छोड़ो, आपकी डिमोशन हो जाएगी और स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। आप ड्राइविंग करके कहीं जाएंगे तो अगर नींद अच्छी नहीं हुई है तो नेचुरली रिएक्शन टाइम डिले हो जाता है और डिलेड रिएक्शन टाइम की वजह से एक्सीडेंट्स की परसेंटेज बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन अगर किसी का ड्राइविंग यही ऑक्यूपेशन है, कोई ड्राइवर है ऑक्यूपेशन से, तो उसका नींद अगर ठीक नहीं हुआ तो उसके एक्सीडेंट से खुद को भी वो इंज्योर करेगा, बाकी जो सब पैसेंजर्स है उनको भी इंज्योर करेगा। जिन लोगों की नींद अच्छी होती नहीं है उनको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बहुत इरिटेबिलिटी होती है, उनका बिहेवियर बदल जाता है और ये बदले हुए बिहेवियर से उनकी सोशल मैल एडजस्टमेंट होती है, उनका कोई आजू बाजू के लोगों से जमता ही नहीं है, बहुत झगड़ा होता है, फैमिलियल रिलेशनशिप इफेक्ट्स होते हैं, डाइवोर्स का परसेंटेज बढ़ जाता है, पूरी रिलेशनशिप बिगड़ जाती है और ये सब चीजों की वजह से फिर से स्ट्रेस बढ़ता है, फिर से नींद नहीं आती है और ये पॉजिटिव फीडबैक विशियस साइकिल जिसे हम कहते हैं उसमें वो पर्सन लैंड हो जाता है। स्लीप में दो चीजें ध्यान में रखनी की बहुत आवश्यकता है। स्लीप की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स, मैं अभी ब्रेन का स्पेशलिस्ट हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि मैं तो 8-10 घंटा सोता हूँ लेकिन मुझे नींद होने का सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो नींद कितने घंटे सोया इससे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ नींद कैसी थी, और क्वालिटी ऑफ नींद आपका पीसफुल माइंड है कि नहीं आप जब सोने जा रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। बहुत लोग बहुत भयावह डरावने ड्रीम्स उनको आ जाते हैं और वो सपने देख के जग जाते हैं, फिर बहुत टाइम वो सो नहीं पाते हैं और इसका डेंजरस इफेक्ट्स ब्रेन की सेल्स पे होता है। नींद में
जो मैंने दो चीजें बोली उसमें दो टाइप्स की स्लीप्स है, एक तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर कोई पर्सन सोया है तो जब ड्रीमफुल स्लीप है, पीसफुल स्लीप नहीं है, वो ड्रीमफुल स्लीप है, वो सपने देख रहा है, तो उसके आईबॉल्स वेरियस डायरेक्शन से कंटिन्यूअस मूव होते हैं, इसको REM स्लीप बोलते हैं। और दूसरी शांत जो स्लीप है उसको NREM स्लीप बोलते हैं, जिसमें आईबॉल स्टेडी है। अच्छी रेस्ट और स्लीप के जो बेनिफिट्स है वो NREM स्लीप में मिलते हैं, तो शांत स्लीप बहुत आवश्यक है। हार्ट का जैसा कार्डियोग्राम निकालते हैं वैसा ब्रेन का इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो ब्रेन के सरफेस पे है वो जानने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या ये जानने के लिए हम डॉक्टर लोग इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम निकालते हैं, और उसमें कई टाइप्स की वेव्स होती है। तो जो शांत मन से अच्छी नींद सोता है उसमें अल्फा वेव्स का प्रिपोंडरेंस है, उसको अल्फा वेव स्लीप कहलाते हैं। तो ये अल्फा वेव स्लीप आपके रिपेरेटिव प्रोसेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी हम देखते हैं कि अगर बॉडी इज डिजाइन टू हैव अ वेरी गुड स्लीप तो फिर स्लीप न आने के क्या क्या वजह है और उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ये अगर हम जान जाएं तो ये प्रश्न पे हम विक्ट्री कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सांस लेने का जो पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, और ये पर्सन को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलते हैं। सांस में इरेगुलरिटी होते हैं और सांस में इरेगुलरिटी होने की वजह से उनको ठीक ढंग से वो सो नहीं पाते हैं, वो स्नोर करते हैं, खर्राटे लेते हैं, तो उनकी नींद बीच बीच में डिस्टर्ब रहती है और जो नींद का फायदा सही उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है। इसका सॉल्यूशन है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, कैसा है, इसकी जांच करके आप अगर अच्छी तरीके से उसके ऊपर ट्रीटमेंट लो तो ये प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड अच्छी नींद आपको आ सकती है। और इंटरेस्टिंगली जब आप स्नोर करते हो, आपको स्लीप अपनिया है, आप बीच बीच में जग जाते हो, तो नेचुरली आपका जो पार्टनर है वो भी अच्छी तरीके से वो रूम में सो नहीं पाएगा और सब फैमिली हेल्थ कैन गेट डिस्टर्ब। और ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, इसकी अगर सही ढंग से इलाज कर दे तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट उसका मिलता है। दूसरी ये चीज है कि अपना जो स्लीप अवेकनिंग सेंटर है, ब्रेन में एक स्लीप का सेंटर रहता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के कई बीमारियां ऐसी है, हाइपोथैलेमस के ट्यूमर्स है, हाइपोथैलेमस में सूजन है, जो ये स्लीप सेंटर के अच्छे फंक्शन को अफेक्ट करता है और आदमी अच्छी तरीके से सो नहीं पाता है। तो इसका सही डायग्नोसिस अगर आप डॉक्टर के पास जाके करें और उसका सही इलाज करें तो दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड प्रॉपरली। एक और चीज ऐसी है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब पैर हमेशा स्थिर रहता ही नहीं है नींद में, कंटिन्यूअस वो पैर हिलाने को मन करता है और ये पैर हिलाने की वजह से वो स्लीप उनको आ नहीं पाती है। तो इसका भी सही इलाज अगर कर ले तो ये प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड। बहुत लोगों को ज्वाइंट प्रॉब्लम्स है, ज्वाइंट में सूजन है, आर्थ्रालजिया है, आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से सो नहीं पाते हैं, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं। तो ये अगर वजह है तो उसका सही इलाज अगर किया जाए, सही डायग्नोसिस हो तो जरूर अच्छी नींद उसको आ सकती है। बहुत मनोवैज्ञानिक असंतुलन की वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, इसके लिए साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करके उनकी इलाज करना चाहिए। बहुत सारी दवाओं भी, स्टिमुलेंट दवाओं लेने से भी स्लीप उड़ जाती है, तो वो मेडिसिन में बदलाव करके अच्छी सलाह लेके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन ये ग्रुप से भी ज्यादा ग्रुप है नींद आने की पेशेंट्स का, वो है फंक्शनल प्रॉब्लम्स, मतलब वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते नहीं है अच्छी नींद आने के लिए। अब ये क्या प्रिकॉशंस है, देखो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी रात को 12 एक बजे तक पढ़ते रहे, नींद आपको 12 एक बजे आप नींद के लिए कोशिश करें, कुछ दिन आप 10 बजे सो जाए, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि ब्रेन में जैसे मैंने बोला एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और वो क्लॉक सोलर साइकिल से कनेक्टेड है। जैसे हम सीखे हैं बचपन में कि अर्ली टू बेड अर्ली टू स्लीप, आदमी की सही तरीके से तरक्की होती है। इसलिए जल्दी क्यों सोना चाहिए कि जब सनसेट हो जाता है तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक
न्यूरोनल फायरिंग कम कर देता है और आदमी को प्रिपेयर करता है नींद के लिए। और जब सुबह सनराइज होता है तो द रेट ऑफ न्यूरोनल फायरिंग इंक्रीजेस और ब्रेन की जो कॉर्टेक्स है उसकी एक्टिवेशन बढ़ती है। अभी ये जो नेचुरल साइकिल है उससे मैचिंग हम हमारी नींद का साइकिल सेट करें, यानी 8-9-10 बजे अगर सो जाए और सुबह 4-4:30 बजे 5 बजे उठ जाए तो वो मैच होगा सोलर साइकिल से, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड करके एक ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नामक एक केमिकल रिलीज करता है जो नेचुरल स्लीप का ट्रिगर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। और वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन है, वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन का वक्त अगर निकल गया और वो मेलाटोनिन नहीं है तो बिल्कुल स्लीप नहीं आएगी। कई बार पाइनियल एरियाज में कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता है, तो वो बीमारियों का भी आप सही डायग्नोसिस करके उसका सही इलाज करें तो प्रॉपर मेलाटोनिन रिलीज होगा और स्लीप इनिशिएशन जो है, स्लीप की जो शुरुआत है वो ठीक तरीके से हो जाएगी। बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो फॉरेन कोलैबोरेशन से काम करते हैं हमारे पास आते हैं स्लीपलेसनेस करके, और वो पूरा रात को 10-11 बजे उनका काम शुरू करते हैं, सुबह 6-7 बजे उनका काम खत्म होता है, तो इस की वजह से उनका बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका सही इलाज करने से ही इसमें से कुछ सॉल्यूशन उनको मिल सकता है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है फ्रेंड्स, डिसिप्लिन अगर है स्लीप के बारे में तो जरूर आपको स्लीप आ सकती है। रात को सोते वक्त बहुत स्पाइसी फूड अगर किसी ने खाया तो नेचुरली एसिडिटी हो सकती है, डिस्पेप्सिया होता है, फिर सार इरिटेशंस आते हैं, पूरा जो खाया है वो ऊपर आने जैसा महसूस होता है, तो कैसे नींद लगेगी। तो ये सब चीजें बहुत अवॉइड करना इसेंशियल है। रात को 7 बजे के बाद खाना खाने के बाद अगर चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करें तो ये स्टिमुलेंट है, ये स्टिमुलेट करेंगे आपकी ब्रेन को और पूरी नींद उड़ा देंगे। बहुत सारी एडिक्शंस है जैसे टोबैको है, उसमें निकोटीन नामक केमिकल है, अल्कोहल है, एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स बहुत लोग लेते हैं, और ये सब चीजें कॉर्टिकल एक्टिवेशन करके आपकी नींद उड़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल वेट कम करने के लिए व्यायाम उनको करना है तो वो रात को व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, तो अगर रात को आप व्यायाम करें, बहुत हेवी एक्सरसाइज करें, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, पर्टिकुलरली ओवर स्टिमुलेशन से आपकी नींद उड़ जाती है। इसलिए व्यायाम करना है तो नींद के 2-3 घंटे पहले ही शाम को 6-7 बजे ही व्यायाम करना उचित है, या फिर सुबह जल्दी व्यायाम करना उचित है। एक अच्छे वार्म वाटर बाथ आप अगर सोने से पहले लेते हैं तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, क्यूटेनियस ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और आपको अच्छी नींद आ सकती है। आपकी जो बेडरूम है वो बेडरूम का एम्बियंस भी अगर प्लेजेंट है तो आपको अच्छी नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके जो कर्टन्स है, आपके जो बेडशीट्स है, आपके जो बेड कवर है, वो आप अगर आपके पसंद के हो तो एक मन शांत हो सकता है और अच्छी नींद आ सकती है आपको। बेड भी है, बहुत कड़क बेड भी गलत है और बहुत सॉफ्ट बेड भी गलत है, तो एक अच्छा मीडियम थिकनेस का कॉटन का बेड है तो वो आपको एक प्लेजेंट स्लीप देने में बहुत सक्षम रह सकता है। टेम्परेचर जो है रूम का, बहुत हॉट हो तो भी आपको नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा ठंडा हो, बाहर बर्फ गिर रहा है तो भी आपको अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत अच्छा है। एक ऑप्टिमम कूलनेस रूम में चाहिए। अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस है तो मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ रूम फ्रेशनर आप अगर रूम में स्प्रे करें तो एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रूम में तैयार होके आपको अच्छी नींद आ सकती है। कोई भी टाइप की आप एंजाइटी या टेंशन दिन भर के काम का या फैमिली का लेके आप बेडरूम में सोने के लिए चले गए तो आपको कैसी नींद आएगी, इसलिए पीसफुल स्लीप के लिए पीसफुल माइंड सोते वक्त बहुत बहुत जरूरी है। और बहुत लोगों को यही वजह है कि पीसफुल माइंड नहीं है तो नींद अच्छी नहीं आती है, इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशंस है। आप मन शांत करने के लिए योग निद्रा जैसे योगा में बताया गया है, बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक है या कोई मंत्र है, ओंकार है, वो आप अगर शांति से चांट करें तो मन स्वस्थ होता है। ब्रह्म कुमारी की कई सारी मेडिटेशन टेक्निक्स डिस्क्राइब की है, वो और अगर सीख जाए और आप भगवान की याद करें और मन शांत रखें
तो बड़ा आपका फायदा होगा। एक न्यास करके बड़ी अच्छी नाथपंथीय साधना है, वो अगर करे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करे कि मुझे नींद आप डेफिनेटली आज आने वाली है, वो अच्छी आने वाली है और सुबह में शांति से बड़े फ्रेश माइंड से उठने वाला हूं, तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी आपको एक अच्छी शांतिपूर्ण नींद के लिए बहुत यूजफुल रह सकता है। तो ये बहुत डिटेल में ये विषय बात करने की इसकी जरूरत है, लेकिन जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो ज्यादा इसमें डेप्थ में जाके सीख सकता है। एक इमोशनल सब्लिमेशन करके एक टेक्निक है। देखो, एक कॉन्शियस माइंड है हमारा, एक सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत सारे विचार, टेंशन, स्ट्रेसेस सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड है। तो एक इमोशनल सब्लिमेशन एक्सप्लोर्स योर सबकॉन्शियस माइंड, और ये सबकॉन्शियस माइंड की जब क्लटर है वो आप अगर अच्छी तरीके से साफ कर ले तो आपका कॉन्शियस माइंड पीसफुल हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से शांति से नींद आ सकती है। अलग अलग बिहेवियरल थेरेपीज है, जब बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज आर द कॉज फॉर लैक ऑफ स्लीप तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। बहुत लोग व्यस्त रहते हैं काम में और वो कहते हैं कि मैं रात को 1-2-3 बजे तक मैं काम मेरा खत्म ही नहीं कर पाता हूं, इसलिए मुझे नींद को सही वक्त नहीं मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत आवश्यक चीज है कि रात को 10-10:30 बजे तक आपके पूरे काम आप इफिशियंसी से खत्म करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि काम खत्म न किए बिना अगर आप दिन खत्म करें तो उससे भी एंग्जाइटी होगी, और आप काम खत्म करते करते रात को 2-3 बजे तक सोए नहीं तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट ये बहुत आवश्यक है अच्छी नींद के लिए। अभी टाइम मैनेजमेंट पे कई सारी किताबें हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं, ये भी एक स्वतंत्र विषय है। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत आवश्यक है अच्छी नींद के लिए। आपको वक्त देना है आपके फैमिली के लिए, आपको वक्त देना है आपके काम के लिए, आपको वक्त देना है आपके एक्सरसाइज फिटनेस के लिए, आपको वक्त देना है आपके खुद के नींद के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। और ये वर्क लाइफ बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो गया तो जो एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से नींद उड़ जाती है बहुत लोगों की। काफी अच्छे बाकी फ्रेंड्स पे उनकी डेवलपमेंट्स है, बट उनका दुख है कि मैं खुद के लिए वक्त नहीं देता हूँ, मैं फैमिली के लिए वक्त नहीं देता हूँ, और यही सोच उनको रात को नींद आने से प्रिवेंट करती है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है। और मुझे लगता है मैंने कई पेशेंट्स लाइफ के अलग अलग वॉक्स पे बहुत ही सक्सेसफुल जो हुए हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो हमारे पास आते हैं स्लीपलेसनेस की वजह से, लेकिन उनका यही एक प्रॉब्लम है कि उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और उसके लिए एक स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन, एक फिलोसॉफिकल बेस बहुत बहुत ही आवश्यक है, और वो जीवन का एक अटूट अंग है, क्योंकि वो आपको अगर बेस नहीं है सही ढंग से तो आपकी जिंदगी की तरफ देखने की पर्सपेक्टिव गलत हो जाती है, आउटलुक गलत हो जाता है, खुद की ओर देखने का नजरिया बदल जाता है, फैमिली मेंबर्स की तरफ देखने का, सोशल इंटरेक्शन की तरफ देखने का आपका रवैया पूरी तरह से गलत हो जाता है और वो आपको डिस्टर्ब करते रहता है दिन में ही नहीं लेकिन रात को आपकी नींद भी वो डिस्टर्ब करता है। तो ये सब चीजों को आप बहुत सीरियसली मन में रख के इसके ऊपर चेंज खुद को करने का कोशिश करें। बी द चेंज यू वांट, बी योरसेल्फ द चेंज यू वांट। हम सिर्फ बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन खुद के बारे में आपने सोचना चाहिए कि आप कैसे इंप्लीमेंट करें। अगर आप ये सही ढंग से इस्तेमाल ये सब चीजों करते हैं तो आप एक अच्छी तरीके का एक्सरसाइज शेड्यूल बनाओ, अच्छी तरीके का डाइट प्लान बनो, अच्छी तरीके से आप पीस ऑफ माइंड पे अचीव करो, जो एंग्जाइटियां है मन में उसके ऊपर आप विक्ट्री पा जाओ। एंड मेरा आपको ये संदेश रहेगा कि स्लीप वेल, बी हेल्दी एंड गेट वेल, गेट रीड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हेल्दी ब्रेन ही हेल्दी बॉडी बनाता है। सो माइंड बॉडी गोज हैंड इन हैंड, तो गुड स्लीप विल मेक अ गुड माइंड एंड वाइस वर्सा, एंड दैट विल लीड टू गुड बॉडी एंड दैट विल बी द वेरी रियल एसेंस ऑफ अ गुड हेल्थ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हियर। थैंक यू।